हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज हम लोग अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सी प्लस प्लस में मैंने आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे डेटा मेंबर बनाते हैं और क्लास ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास में लेट जुड़े हैं या उन्हें क्लास ऑब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिला है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है उन्हें नहीं पता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपको क्लास ऑब्जेक्ट का वो वीडियो मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। तब आइए देखते हैं क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के डेटा मेंबर्स के और क्लास के फंक्शंस को स्टोर करता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से जो भी क्लास के बनाए हुए क्लास की प्रॉपर्टी होती है, क्लास के कह सकते हैं एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो भी क्लास के फंक्शन होते हैं वो सभी किसके अंदर स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट में स्टोर होते हैं। मतलब पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट में, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, मैंने बताया था, तो मैंने पहले क्लास करके कोई भी आइडेंटिफायर मैं यहां पर मान लेता हूं, कोई मैंने नाम मान लिया आशीष नाम का मैंने एक क्लास बना लिया। मैंने बताया था क्लास के अंदर हम लोग इस तरह से ब्रेसेस करना हम लोग, और इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, डेटा मेंबर और आपके मेंबर फंक्शन या कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके अंदर आपको जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट, इसमें आपको तीन चीजें और मिलेंगी जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड आपके में आपको तीन तरीके की चीजें मिलेंगी, कहीं आपको लिखना मिलेगा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो ये सारी चीजें पहले समझते हैं क्या होती, इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले देखते हैं क्लास में इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्लास के अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी मोस्टली, एक दिखेगा प्राइवेट, कॉलम का साइन होगा, और फिर दिखेगा पब्लिक। अब प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, मैं बताया विजिबिलिटी मोड है, इसकी जो फुल डिटेल वीडियो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बनाऊंगा इसकी वीडियो, और बताऊंगा कि प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मैंने यहां पे यूजली नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टेड का यूज जो है मोस्टली वो इनहेरिटेंस में करते हैं, वो आगे की बात है, आगे की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं क्लास के अंदर किसी भी डेटा मेंबर और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो क्लास के अंदर मैंने बनाया एक क्लास नेम दे दिया, उसके अंदर मैंने दो विजिबिलिटी मोड ले लिए, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट के अंदर हम लोग दे सकते हैं डेटा मेंबर, या कह सकते हैं डेटा डिक्लेरेशन, डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो प्राइवेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा डिक्लेरेशन कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वही सारा काम हम लोग कहां कर सकते हैं, पब्लिक के अंदर भी कर सकते हैं। फिर क्यों यूज करते हैं ये भी आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा, डेटा डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। इस तरह से बेटा आपको क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक के थ्रू आप लोग इस तरह से आप क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, आप डेटा डिक्लेरेशन कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, डेटा डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब जो काम आप प्राइवेट के अंदर कर सकते हैं वही काम पब्लिक के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फिर कोई डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नहीं तो फिर हम लोग दोनों की यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। प्राइवेट जो है आपका बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम लोग यहां पर प्राइवेट फंक्शन नहीं भी लगाते हैं, अगर सपोज हमने यहां पर प्राइवेट फंक्शन नहीं लगाया तब भी वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट फंक्शन ही माना जाता है। और प्राइवेट फंक्शन में जो भी हम लोग डेटा मेंबर या फिर आपके मेंबर फंक्शन जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल क्लास के अंदर काम करेंगे, और जो पब्लिक के अंदर हम लोग बनाते हैं डेटा मेंबर, आपके डेटा डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको आप लोग क्लास के बाहर भी कॉल करा सकते हैं, क्योंकि क्लास यहां पर आपका सेमी कॉलन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार सुनेंगे,
जो भी हम लोग डेटा डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन यूज करते हैं प्राइवेट में, इसको हम लोग केवल क्लास के अंदर कॉल कराते हैं, लेकिन जो हम लोग पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करते हैं इसको हम लोग क्लास के बाहर भी कॉल करा सकते हैं। अगर आपका कहीं भी प्राइवेट नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या माना जाएगा, प्राइवेट ही माना जाएगा। लेकिन यूजुअली हम लोग करते क्या है, प्रोग्राम बनाते समय यूजुअली आप देखेंगे जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग डेटा जो डिक्लेयर करेंगे वो प्राइवेट में करेंगे और जो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वो किसमें करेंगे, पब्लिक में करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन का यूज हम लोग आगे प्रोग्राम में कर सके, डेटा आपका यहां से सिक्योर हो सके। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक प्राइवेट नाम का विजिबिलिटी मोड यूज किया और प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा डेटा में आप चाहे तो डेटा डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, केवल डेटा का डिक्लेरेशन करेंगे। मैंने मान लिया इंट ए इंट बी, कुछ भी मान लेते हैं ए बी, कुछ ऐसे दो मैंने आपके डेटा आपके मैंने डिक्लेयर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हमने आप क्या किया, पब्लिक। आप हम लोग चाहते तो फंक्शन यहां पर भी बना सकते थे, लेकिन यहां पर जो फंक्शन बनाएंगे उसको हम लोग केवल क्लास के अंदर ही यूज कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं वो भी हम लोग कहां बनाएंगे, पब्लिक के अंदर बनाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पर फंक्शन बना लिया वाइड गेट डेटा देख सकते हैं आप। अब यहां पर क्या होगा, ये आपका फंक्शन बन गया और आपका पूरा मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और आपका ये पूरा क्लास डिक्लेयर हो गया। मतलब इस चीज को आप लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डेटा मेंबर। क्यों? क्योंकि डेटा मेंबर है और ये क्या है आपका पब्लिक में जो दिया है वो है डेटा सॉरी मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। इस तरह से आप लोग आसानी से क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग प्रोग्राम बनाते समय क्लास और आपके अंदर आप लोग कैसे किसी डेटा को डिक्लेयर करते हैं आप आसानी से सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।